हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 जो है वो टोटल बना हुआ है 9 चैप्टर के अंदर, यानी कि टोटल जो चैप्टर है इसके अंदर 9 है और सेक्शन कितने हैं, सेक्शन इसके अंदर 96 हैं। और आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो चैप्टर 1 रहेगा, लेकिन उससे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ेंगे। तो जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो कब आया था, वो 1882 में आया था और ये एक्ट नंबर 2 है 1882 का, यानी कि जितने भी एक्ट 1882 में आए थे उसमें इंडियन ट्रस्ट एक्ट का नंबर क्या है, 2, यानी सेकंड नंबर पे ये एक्ट जो है पारित हुआ था। देखिए ये जो एक्ट है वो 13 जनवरी को इनेक्ट हो गया था। कब इनेक्ट हुआ था, ये इनेक्ट हुआ था 13 जनवरी को, लेकिन इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 मार्च 1882, यानी इसने काम करना जो शुरू किया वो 1 मार्च 1882 से शुरू किया। अभी देखिए इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। ये बोल रहे हैं कि जो इंडियन ट्रस्ट एक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट की बात करता है और प्राइवेट ट्रस्ट के साथ साथ ट्रस्टीज की भी बात करता है, यानी पब्लिक ट्रस्ट पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। दूसरी बात देखिएगा, ये क्या करता है, डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, क्या कि लॉफुली एक ट्रस्ट का क्या मतलब होता है और लॉफुली ट्रस्टीज का क्या मतलब होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि प्राइवेट ट्रस्ट और ट्रस्टी से रिलेटेड है, तो ये बताता है कि ट्रस्ट क्या होता है और बताता है कि ट्रस्टीज क्या होते हैं। अब देखिए इंडियन ट्रस्ट अमेंडमेंट बिल 2015 यानी रिसेंटली आया था, जिसमें कि अमेंड किया गया एक्ट को और इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस को जो था रिमूव कर दिया गया। और कैसे जो रिस्ट्रिक्शन थे वो रिस्ट्रिक्शन थे और इन्वेस्टमेंट ऑफ द मॉनेटरी एसेट जो कि बाय ट्रस्ट थे इन सर्टेन इन्वेस्टमेंट्स, और इसके साथ साथ इसने इनेबल किया था गवर्नमेंट को टू स्क्रूटिनाइज द ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट एट विल। अब आगे देखते हैं कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट, आपको बताया कि इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 1 मार्च 1882 और ये जो है वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होता है। पहले ये एप्लीकेबल नहीं होता था पूरे इंडिया में, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टार्ट हुआ इंडिया में एप्लीकेबल होना। और हमको पता है जम्मू एंड कश्मीर में जिस तरह से अब सभी एक्ट एप्लीकेबल होते हैं उसी तरीके से इंडियन ट्रस्ट एक्ट भी एप्लीकेबल होता है। फिर आता है ट्रस्ट, क्योंकि हमने बात की ट्रस्ट डिफाइन करता है, तो ट्रस्ट होता क्या है, इसके लिए समझने से पहले हमें समझना है ये टर्म फ्यूडिशरी रिलेशनशिप। जो ट्रस्ट होता है वो फ्यूडिशरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, मतलब ये कॉन्फिडेंस एक ट्रस्ट पे बेस्ड होता है जहां पर कि 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। और जो फर्स्ट पार्टी होती है, फर्स्ट पार्टी यानी कि ट्रस्टर या सेटलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है या सेटल करता है एक प्रॉपर्टी, यानी किसी प्रॉपर्टी को लेकर के ट्रस्ट बनाया जाता है। और ट्रस्टर कॉन्फिडेंस दिखाता है, किसमें कॉन्फिडेंस दिखाता है, सेकंड पार्टी में यानी कि ट्रस्टी में। और वो ट्रस्टी जो होगा वो किसी और व्यक्ति के लिए जो है काम करेगा, वो व्यक्ति कौन होगा, उसको बोला गया है बेनिफिशियरी। अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे। देखिए यहां पर आपको ये डायग्राम में पिक्चर में दिख रहा है कि एक सेटलर है। सेटलर क्या करेगा, सेटलर जो होता है वो ट्रस्ट एस्टेब्लिश करता है। ट्रस्ट क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है, कोई प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड कोई मैटर है, उसमें जो है ट्रस्टर जो होगा या सेटलर जो होगा वो ट्रस्ट क्रिएट करेगा और उसके लिए कुछ व्यक्तियों को जो है वो क्या दे देगा, पावर दे देगा, जिससे कि वो मैनेज एंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फंड्स को, किस लिए, इसके बेनिफिट के लिए, बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए। और बेनिफिशियरी जो बेनिफिट होंगे उसके इनकम से रिलेटेड भी हो सकते हैं, कैपिटल से रिलेटेड भी हो सकते हैं। जो भी ट्रस्ट से इनकम आती है, इस ट्रस्ट की इनकम, इस ट्रस्ट से कैपिटल या और भी जो भी बेनिफिट आते हैं उसके लिए ट्रस्ट जो है वो बनाया गया है सेटलर के द्वारा। अब चैप्टर 1 की हम बात करेंगे इस लेक्चर में। तो चैप्टर 1 जो है वो प्रिलिमिनरी है, वो क्या बोलता है, सेक्शन 1। देखिए सेक्शन 1 में सभी चीजें मैंने आपको बता दी कि शॉर्ट टाइटल, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, द इंडियन ट्रस्ट एक्ट, ट्रस्ट एक्ट उसको बोला गया है। और इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो मेरी नोटवर्दी है, वो जो बात है ये है कि मोहम्मडन लॉ से रिलेटेड जितने भी होंगे, मोहम्मडन लॉ से रिलेटेड वक्त से रिलेटेड बेसिकली जितने भी मैटर होंगे या म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ एन अनडिवाइडेड फैमिली होंगे, वहां पर ट्रस्ट अगर कहीं पे भी वो होता है, क्लैश होता है, तो जो रूल्स होंगे, पर्सनल लॉज जो होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। देखिए इन्होंने बोला नथिंग हेयर इन कंटेन्ड इफेक्ट द रूल्स ऑफ द मोहम्मडन लॉ एज टू वक्फ और टू म्यूचुअल रिलेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अनडिवाइडेड फैमिली।
यानी अनडिवाइडेड फैमिली के जितने भी इनके राइट्स हैं, अगर वो कोई कस्टमरी या पर्सनल लॉ से रिलेटेड है, पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। और या फिर अगर पब्लिक ट्रस्ट या पब्लिक या रिलीजियस या चैरिटेबल रिलीजियस से रिलेटेड कोई एक्ट है, कोई एंडाउमेंट्स हैं, उन पर जो होगा, अगर वो वहाँ पर कई क्लैशेज आ जाते हैं तो ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता, बल्कि पब्लिक, या हम बात करें जो पब्लिक एक्ट हैं या पब्लिक जो रिलीजियस एक्ट्स हैं या जो पर्सनल, बल्कि जो पर्सनल लॉज हैं वो ही एप्लीकेबल होंगे। अभी इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, वो है डिस्ट्रीब्यूट प्राइज टेकन इन वॉर अमंग द कैप्टर्स। तो अगर वॉर अमंग द कैप्टर्स में जो भी प्राइज दिया गया, प्राइज निश्चित किया गया, प्राइज मिला, वो सब कहाँ से होंगे, वहाँ पे सब में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इंडियन ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इंडियन ट्रस्ट एक्ट का भी एप्लीकेबिलिटी में बोला सेकेंड चैप्टर, स्पेसिफिकली कौन सा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी इसमें सेक्शन 3 को समझ लेते हैं। सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लोज है, वहां पर कुछ टर्म्स हैं जो हमारे इस एक्ट में बनी हुई हैं और उन टर्म्स को सेक्शन 3 में इंटरप्रेट किया गया। पहले टर्म है ट्रस्ट, फिर है ऑथर ऑफ द ट्रस्ट, फिर है ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी, ट्रस्ट मनी, बेनिफिशियल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, रजिस्टर्ड एंड नोटिस। इन सब चीजों को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्ट क्या होता है, हमने अभी बात करी। ट्रस्ट होता है, देखिए देख ध्यान से सुनिएगा, एक प्रॉपर्टी है। नंबर वन पॉइंट क्या है हमारे पास, कि एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का कोई ओनर है। नंबर टू, उसका कोई ओनर है, उसने ओनर ने क्या किया, उस ओनर ने ये ट्रांसफर कर दी, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की किसी थर्ड पर्सन को, किसको, किसी थर्ड पर्सन को जो है ट्रांसफर कर दी, किसी थर्ड पर्सन को जो है उसने ट्रांसफर कर दी, किसी और व्यक्ति को जो है उसने ये ट्रांसफर कर दी, कोई पर्सन है उसने उसको जो है जो अपना ये प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर कर दी। किस लिए ट्रांसफर की, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और द ओनर, या तो किसी और व्यक्ति के बेनिफिट के लिए या अपने खुद के बेनिफिट के लिए इसने थर्ड पर्सन को ट्रांसफर की है। अब जो इसने ट्रांसफर की है बेनिफिट के लिए, चाहे अपने बेनिफिट के लिए चाहे थर्ड पर्सन के लिए, वो कैसे ट्रांसफर किया, ये एक तरीके का ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन किसके ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर है, जिस व्यक्ति को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है, ये ऑब्लिगेशन है। और ये जो रिलेशन है ऑब्लिगेशन के ऊपर बेस्ड है। और इसके साथ साथ अभी हमने बात की थी कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, यानी कि कॉन्फिडेंस, एक विश्वास पे आके उसने जो है अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट बना करके थर्ड पर्सन को दी है। तो ट्रस्ट की जो डेफिनेशन है, ट्रस्ट जो इंटरप्रेट किया गया है, ट्रस्ट जो इंटरप्रेट किया गया है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में, वो इन शब्दों के साथ में इंटरप्रेट किया गया है। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। तो अब ऑथर ऑफ द ट्रस्ट क्या हुआ, अभी हमने सेटलर पढ़ा था, जो ट्रस्ट क्रिएट करता है, ट्रस्टर जो होता है वो ही ऑथर ऑफ द ट्रस्ट होता है। ट्रस्टी जो थर्ड पर्सन है जिसमें कि इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया गया, वो ट्रस्टी हुआ। बेनिफिशियरी, जिसके बेनिफिट के लिए बनाया। ट्रस्ट प्रॉपर्टी या ट्रस्ट मनी, अभी हमने पढ़ा जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि ट्रांसफर किया गया है राइट किसी व्यक्ति को ऑब्लिगेशन के तौर पे कि आप मैनेज कीजिए और ये इनकम जो होगी वो बेनिफिशियरी को देंगे, उसको बोले ट्रस्ट प्रॉपर्टी या फिर ट्रस्ट मनी। और बेनिफिशियल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरी क्या होगी, जो अभी हमने देखा था कि इनकम है या कैपिटल है, वो उसको बोला बेनिफिशियल इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट। अब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट का मतलब अगर किसी डीड के थ्रू जो है ये काम हुआ, यानी डीड के थ्रू अगर ट्रांसफर किया गया है, डीड के थ्रू अगर ट्रस्ट क्रिएट किया गया है, तो उसको बोला है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट। अब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या हुआ, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब कोई गाइडलाइंस थी, जिन गाइडलाइंस पे काम करना था, किसको काम करना था, किसको काम करना था, ट्रस्टी को। कोई गाइडलाइंस थी, कोई गाइडलाइंस बनाई हुई थी जो आपस में ट्रस्ट के थ्रू तय हुई थी, उन गाइडलाइंस को अगर ट्रस्टी ब्रीच करता है या ट्रस्टर ब्रीच करता है, कोई भी ब्रीच करता है, तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब यहाँ पर दो वर्ड आपके सामने दिख रहे हैं, रजिस्टर्ड और नोटिस। तो जो दोनों वर्ड है रजिस्टर्ड और नोटिस, ये चलते हैं हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है 1872 का एक्ट नंबर 9, उसके साथ चलते हैं। एक्ट नंबर 9 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 का, उसके अकॉर्डिंग दोनों टर्म चलते हैं, जिसमें रजिस्टर का मतलब होता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट अगर रजिस्टर किया गया है, और नोटिस का मतलब होता है अगर किसी को, नोटिस का मतलब हमने एक चीज हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में ही बताया था कि नोटिस का मतलब तीन तरीके से आता है, एक तो प्रॉपर पर्सन ने ले लिया, और दूसरा वो विलफुली एबसेंट हो जाता है, नहीं लेता है तो भी मान लिया जाएगा कि उसे नोटिस है, और फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस करता है तो भी मान लिया जाता है कि उसके पास नोटिस है। तो ये तीनों ही चीजें जो है नोटिस में इंक्लूड की गई हैं जब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्ट नंबर 9 की।
और ये जो यहाँ पर मैटर है हमारा रजिस्टर्ड और नोटिस जो दोनों टर्म्स हमने यहाँ पर ली हैं वो सब इन मैटर से रिलेटेड हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ये टर्म्स हो गए जो इंटरप्रेट किए गए सेक्शन 3 में, वो हमें पढ़नी है इस क्लास में और हमने आज पढ़ भी ली है और नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर को डील करेंगे। तो और अभी मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रस्ट क्या होता है। ट्रस्ट किसी थर्ड पार्टी में ट्रस्ट क्रिएट किया जाता है फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ, या तो किसी अपनी बेनिफिट के लिए करता है ओनर या फिर किसी थर्ड पर्सन के लिए करता है। और ये जो है क्या होता है, ये किसी प्रॉपर्टी में किया जाता है और इसका जो इनकम होती है वो बेनिफिशरी को मिलती है। ये सब हमने पढ़ लिया और ये भी पढ़ लिया कि ऑथर ऑफ द ट्रस्ट कौन होता है, सेटलर होता है, ट्रस्टी कौन होता है, बेनिफिशरी, और ये सभी टर्म्स जो है हमें काम आने वाली हैं इस हमारे जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट में। आई होप यू एंजॉयड द क्लास। If you do, then please do not forget to share and subscribe. And yes, be there for the next classes. Thank you so much. Thanks a lot. Keep learning and keep smiling.